अगस्त को किराना की दुकानें खुलेंगी। विशेष अनुमति पर ये दुकानें खोली जाएंगी। त्योहारों को देखते हुए दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। बकरीद और राखी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। रायपुर में कोरोना के लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उनके चलते लॉकडाउन रायपुर में है, और इसी बीच किराने की दुकानों को खोलने का एक फैसला लिया गया है। आज और कल यानी कि दो दिन ये किराने की दुकानें रायपुर में खोली जाएंगी। दरअसल बकरीद और रक्षाबंधन जैसे दो बड़े त्योहार हैं, और इन त्योहारों को देखने के लिए लोग बाजार में जाकर जरूरी सामान की खरीदारी कर सकें, किराने का सामान जरूरी खरीद सकें, इसके लिए दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। विशेष अनुमति पर दुकानें खोली गई हैं। तो आज और 1 अगस्त को ये किराना दुकानें खुल जाएंगी। विशेष अनुमति पर दुकानें खोली जाएंगी। शिवम मिश्रा मेरे सहयोगी जरूर जानकारी के लिए रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, आज और कल यानी कि 1 अगस्त को किराने की दुकानें खोली जाएंगी। बकरीद और रक्षाबंधन जैसे दो बड़े त्योहार हैं, इसी के चलते निर्णय लिया गया प्रशासन का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते संक्रमण छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, राजधानी रायपुर एक कोरोना हॉटस्पॉट जिला उभर करके सामने आ रहा है, उसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने सभी जिले के कलेक्टरों को ये निर्देशित किया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, और उस लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 6 अगस्त किया गया। चूंकि 6 अगस्त तक लॉकडाउन किया गया, तो इस बीच दो महत्वपूर्ण दो धर्म के त्यौहार सामने आ चुके थे। 31 जुलाई यानी कि आज बकरीद, और 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार सामने गया था। इसे देखते हुए दो दिनों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, जो कि 28 और 29 जुलाई को दी गई थी। और उस बीच इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी ग्राहकों की, खरीदारों की, बाजारों पर बात करें तो लगातार बड़ी संख्या पे लोग आते रहे, अपने जरूरत की सामान खरीदते रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हुई जिला प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, अगर बात करें राजधानी के महापौर को, ये चीज महसूस हुई कि दो दिन और खोलना चाहिए दुकानों को। लोगों की जो जरूरत की सामग्री है उन चीजों को लाना है। बड़ी दो बड़े पर्व यहाँ पर सामने आ गए हैं, एक बकरी ईद है, रक्षाबंधन है, तो उसको उसके मद्देनजर विशेष अनुमति प्रदान की। उसके बाद कल जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को दो दिनों तक आवश्यक जो सामग्री है, जैसे कि किराना दुकानें हो गई, जनरल स्टोर्स हो गए, इसके बाद जो खाद्य संबंधित दुकानें हैं, इसके साथ ही जो मिष्ठान की दुकानें हैं, सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक ले यानी कि 4 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इनके बीच जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश में ये चीज को भी जिक्र किया गया है, जारी आदेश में, कि 4 घंटे की दुकान खोलने की अनुमति के बीच राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो लॉकडाउन जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। बिना मास्क के लोगों को दुकानों में खरीदारी नहीं करने दी जाएगी। एक नया सिस्टम भी दुकानदार लेकर के आ रहे हैं कि जो ग्राहक अपने मुंह में मास्क नहीं लगाए रहेगा, उन्हें किसी प्रकार का सामान नहीं दिया जाएगा। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित थाने जो बात करें इस, तो हम लोग जो राजधानी रायपुर के सबसे घने बाजार गोल बाजार की बात करें, मालवीय बाजार की बात करें, तो उस वक्त भी वहां पर काफी माहौल रहता है सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक। उस बीच संबंधित जोन के कर्मचारी, निगम प्रशासन के कर्मचारी, बात करें संबंधित थाने के, तो वहां पर पुलिस जवान तैनात रहते हैं, लोगों को लगातार बढ़ते संक्रमण से जागरूक करते रहते हैं। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशासन का महत्वपूर्ण निर्णय, हालांकि इम्प्लीमेंट हो रहा है, किराने की दुकानें, जरूरी सामान की दुकानें आज से खोल दी जाएंगी। इस वक्त आप किस बाजार में खड़े हुए हैं, और जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए हमें विस्तार से, सूरत हाल क्या है, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्ततम चौक की बात करें, सबसे मुख्य चौक है ये राजधानी का जयस्तंभ चौक। वहां का मैं अगर आपको नजारा दिखाना चाहूंगा, तो जिस प्रकार से है कि अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, और मार्केट खुलने की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके बाद भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग लगातार अपने सामानों की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो यातायात के जवान है, जो पुलिस प्रशासन के जवान है, ये अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं यहाँ पर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है लगातार, यहाँ पर किन कारणों से निकले हैं और निकले हैं तो कहाँ गए हैं, जल्दी घर जाने की समझाइश दी जा रही है। दुकानों की तस्वीरें हम यहाँ से देख सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ी कुछ दुकानों की तस्वीर यहाँ से दिखा सकते हैं हम आपको बता दूं कि
इस वक्त ये तो संभव नहीं है कि हम कुछ दुकानों की तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएं, क्योंकि बाजार कुछ दूरी पर है और वहाँ पर लगातार बड़ी संख्या पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है कोरोना संक्रमण के लिए, हमें भी जरूरी है बचाव के लिए। तो उसके साथ ही इसीलिए हम यहाँ पर इस वक्त मुख्य चौक पर खड़े हैं। थोड़ी दूरी पर ही बाजार पर वहाँ पर बाजार लगा हुआ है, उसी से जुड़ी हुई जो भीड़ है यहाँ पर आती जाती दिख रही है, बड़ा बाजार है। तो यहाँ पे लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर वो बाजार में सामान खरीदारी के लिए जाते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, मास्क लगाकर जाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।